हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगेन हम लोग फीचर इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग एक नई चीज स्टार्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो आज के वीडियो में ये दो पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे। आज के वीडियो में विल कवर समथिंग कॉल्ड फंक्शन ट्रांसफॉर्मर इन साइकिटलर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, हम लोग फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और फीचर इंजीनियरिंग में हम लोग आपने देखा था कि मल्टीपल चीजें होती हैं। हम जो कर रहे हैं वो है फीचर, मतलब अभी तक हम लोग फीचर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब आप अपने कॉलम्स में अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, राइट? आप उनको इनकोड कर रहे हो, अगर आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है, आप मिसिंग वैल्यूज फिल कर रहे हो, आप स्केल कर रहे हो, राइट? आज हम लोग एक नई चीज सीखेंगे एंड दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको एकदम सिंपल टर्म्स में बताऊं तो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि आप अपने कॉलम्स के ऊपर, जो आपके पास डेटा है उसके कॉलम्स के ऊपर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इनटू समथिंग एल्स। अब अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, बट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा लॉग ट्रांसफॉर्म और रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्म और पावर ट्रांसफॉर्म, जिसमें हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वन ऑफ देम इज बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म, बहुत फेमस है ये। और सेकेंड यू जॉनसन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि हमारे पास कुछ डेटा होगा, उस डेटा के ऊपर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे एंड वी विल सी कि मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है कि नहीं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है कि मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। द आंसर इज कि आपका डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो एक नॉर्मल फंक्शन में या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई होप आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा। अगर आप कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो और वो कुछ ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? लाइक दिस इज नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दिस इज द पीडीएफ, राइट? मतलब हर नंबर का, वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी है और एक्स एक्सिस पे वो नंबर है। 7 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है इस डिस्ट्रीब्यूशन में, 10 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है इस डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जनरली आपको जो डेटा मिलेगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तो इन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस का एंड गोल इज कि आपके डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है, क्या फायदा होता है? तो एक बात जान लो, स्टैटिस्टिक्स, जो कि आप बोल सकते हो मशीन लर्निंग का मदर फील्ड है, उसमें जब भी कोई स्टैटिस्टिशियन काम करता है, कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे काम कर रहा है, अगर उसको कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाता है तो वो खुश हो जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सच अ इंपॉर्टेंट थिंग इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखते ही स्टैटिस्टिशियन को रास्ता दिखने लगता है कि अच्छा, अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, राइट? क्यों है इतना इंपॉर्टेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? अब वो डिपेंड करता है आप किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। इट्स जस्ट कि उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास कैलकुलेशंस ईजी हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी हो जाता है। और अगर आप मशीन लर्निंग का बात करो स्पेसिफिकली, तो मशीन लर्निंग में जो आपके स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स है, लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इस तरह के एल्गोरिदम्स में आप ये अजम्पशन लेके चलते हो कि आपके पास जो डेटा है वो नॉर्मल है। अगर नहीं है तो आप उसको बनाना चाहते हो। वहीं पर कुछ एल्गोरिदम्स है, लाइक डिसीजन ट्री या फिर रैंडम फॉरेस्ट, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता कि आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है कि नहीं है। ठीक है, बट इफ यू आर वर्किंग विथ दीज काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स, तो यहाँ पे फर्क पड़ता है कि आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं। तो अगर आपके पास जो डेटा है उसमें थोड़ा अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में लाना पड़ेगा, राइट? और वो काम कौन करते हैं? वो काम करते हैं ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस। सो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स नॉर्मल डेटा पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेटर परफॉर्म करते हैं।
सो अगर आप उन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के साथ काम कर रहे हो तो आपको अपने डेटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होगा, और वो आप कैसे करोगे, वो करोगे आप इन ट्रांसफॉर्मेशन से। ये जो मैंने आपको चार पांच ट्रांसफॉर्मेशन बताई, इसके अलावा भी और भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इनफैक्ट आप चाहो तो अपना खुद का कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट द एंड गोल इज कि आपको पलट के क्या मिलना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एटलीस्ट क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज योर टारगेट। That is what you have to achieve, ठीक है? तो आई गेस अभी तक आपको इस वीडियो का why part समझ में आ गया कि क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं कि function, इस वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है function transformer, function transformer क्या है? So, हमारी जो मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है scikit-learn, उसमें अगर आप नोटिस करोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि तीन अलग मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मर दिए हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला है फंक्शन ट्रांसफॉर्मर, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर एक और है पावर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? और एक थर्ड जो मैंने कभी पढ़ा था बहुत पहले, वो था क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर। अब मैं ये क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर इस सीरीज में कवर नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा कभी यूज नहीं हुआ। मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा फंक्शन ट्रांसफॉर्मर, और अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पावर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? फंक्शन ट्रांसफॉर्मर यूज करके आप लॉग ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इनफैक्ट आप खुद का कोई कस्टम फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, आपके ऊपर है। पावर ट्रांसफॉर्म यूज करके हम लोग दो ट्रांसफॉर्म सीखेंगे, एक होगा बॉक्स कॉक्स और एक होगा यो जॉनसन, ये दोनों हम लोग कल करेंगे, ठीक है? तो आज का हमारा पूरा फोकस इज गोइंग टू बी ऑन दिस scikit-learn फंक्शनैलिटी, फंक्शन ट्रांसफॉर्मर, जिसको यूज करके हम डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको अभी तक सब कुछ क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पास एक डेटा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंटली नॉर्मल है कि नहीं, कि मुझे जरूरत है उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने की, ये मुझे कैसे पता चलेगा? दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप scikit-learn, सीबॉन का डिस्ट प्लॉट वाला विजुलाइजेशन को कॉल कर दो, तो ये क्या करेगा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करके दे देगा। इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि कितना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे ये थोड़ा स्क्यूड है, थोड़ा सा स्क्यूड है एक तरफ। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पैंडास का स्क्यू फंक्शन को कॉल कर लो, अगर ये जीरो आ रहा है तो सही है, नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है तो स्क्यूड है, ठीक है? थर्ड एक बहुत अच्छा तरीका होता है बॉक्स कॉक, आई एम सॉरी बहुत सारे टर्म्स हो गए, आई एम गेटिंग कंफ्यूज। एक और तरीका जो होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसको हम बोलते हैं क्यू क्यू प्लॉट। एक्चुअली सबसे रिलायबल तरीका है पता करने का कि आपके पास जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, ठीक है? अब ये क्यू क्यू प्लॉट के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, क्योंकि ये मस्ट चीज है और इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें। ऑब्वियसली ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है कि ये कैसे काम करता है, बट आज के वीडियो में मैं आपको एक रफ इंट्यूशन देता हूं कि अगर आपको क्यू क्यू प्लॉट करना है तो आप कैसे करोगे और उसको रीड कैसे करोगे, सो दैट एटलीस्ट आज का वीडियो आपको समझ में आ जाए, ठीक है? सो लेट्स फोकस ऑन क्यू क्यू प्लॉट। सो यहां पर अगर आप नोटिस करो तो ये जो है ना, ये आपका QQ प्लॉट है और ये है आपका PDF, ठीक है? This is QQ प्लॉट and this is PDF, ठीक है? So QQ प्लॉट में आपका x-axis पे होता है theoretical quantiles और x-axis पे y-axis पे होता है data sample quantiles। अब इस पॉइंट पे technicalities में नहीं घुस रहे, मैं आपको रीड करना सिखाता हूं कि कैसे आपको पता चलता है कि आपके पास जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। जैसे ये डेटा देखो, इसका पीडीएफ बिल्कुल बता रहा है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो क्यू क्यू प्लॉट होगा वो ये 45 डिग्रीज वाली लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स आएंगे, लाइक दीज आर ऑल द पॉइंट्स, वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आएंगे। तो अगर ये आपको कभी भी दिखाई दे रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो डेटा है दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि अब यहां पे देखो, इस केस में डेटा टू पीक्ड इन द मिडल, ठीक है? तो इन दैट केस आपका क्यू क्यू प्लॉट थोड़ा सा उस लाइन से हट जाएगा और लाइन भी थोड़ा सा डेविएट कर जाएगा, एंगल रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है?
अगर हम आगे जाएं तो ये स्क्यूड डेटा, दिस इज स्क्यूड डेटा, एक तरफ स्क्यूड है, तो इन दैट केस आपका ये क्यू क्यू प्लॉट भी एक तरफ से लाइक लाइन छोड़ने लग जाएगा, ठीक है, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये है स्क्यूड लेफ्ट, दिस डेटा इज स्क्यूड लेफ्ट, इन दिस केस यू कैन सी नीचे से आपका वो डेटा, मतलब जो पॉइंट्स थे वो उस लाइन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप राइट स्क्यूड डेटा का बात करो, विच इज दिस वन, यहां पर आप देखो ऊपर से आप उस लाइन को छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। और अगर थोड़ा सा एग्जांपल्स देखें, अगर आपके पास फैट टेल डेटा है तो दोनों साइड से आप लाइन छोड़ोगे, ठीक है, और अगर आपके पास थिन टेल्स हैं तो ये बहुत क्लोज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस लाइन के ऊपर ही रहता है। सो अगर आपसे कोई बोले कि जिस्ट क्या है, क्यू क्यू प्लॉट्स को देखना कैसे, तो बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा आप इस लाइन के ऊपर हो उतना ज्यादा आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोज है, जितना आप इस लाइन से अलग भाग रहे हो और इस लाइन का यू नो स्लोप चेंज हो रहा है उतना आप दूर हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो क्यू क्यू प्लॉट हम लोग आज के वीडियो में यूज करेंगे टू सी वेदर अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल और नॉट, ठीक है। तो यहां तक आई गेस आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब जल्दी से डिस्कस करते हैं हम आज के वीडियो में जो ट्रांसफॉर्म कवर करने वाले हैं, एंड दैट इज लॉग ट्रांसफॉर्म। लॉग ट्रांसफॉर्म का फंडा बहुत सिंपल है। अगर आपको कभी भी लॉग ट्रांसफॉर्म लगाना है किसी भी डेटा पे, मान लो आपके पास टाइटैनिक का एज वाला डेटा है जहां पे आपके पास अलग अलग एज दिया हुआ है सारे पैसेंजर्स का, आपको इसके ऊपर अगर लॉग ट्रांसफॉर्म लगाना है तो आप बेसिकली क्या करते हो, हर वैल्यू का लॉग ले लेते हो, दैट्स इट। बेस 2 ले लो या 10 ले लो, इट डिपेंड्स आपके ऊपर, आप बस इसका लॉग ले लेते हो। और लॉग लेने से क्या होता है कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नॉट कंप्लीटली, वैसा तो जनरली नहीं होता है, बट जैसा अभी है जो करंट स्टेट है उससे ज्यादा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है। अब जनरली कब यूज करना चाहिए आपको लॉग ट्रांसफॉर्म, वो मैं आपको बताता हूं। लॉग ट्रांसफॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेगेटिव वैल्यूज पे नहीं लगेगा क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यूज का लॉग नहीं ले सकते। सेकेंड, अगर आपके पास एक राइट स्क्यूड डेटा है लाइक दिस, इस तरह के डेटा पे जब आप लॉग ट्रांसफॉर्म लगाते हो तो वो उसको सेंटर में लेके आ जाता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले इंटरव्यू में कि लॉग ट्रांसफॉर्म किस तरह के डेटा पे लगाना चाहिए, तो आप बोलोगे राइट स्क्यूड डेटा के ऊपर, ठीक है। और लॉग ट्रांसफॉर्म मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, लॉग करने से क्या फायदा होता है कि आपकी जो बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो यहां पे आपका 1 है, यहां पे आपका 10 है, यहां पे कहीं पे आपका 100 है, और यहां पे कहीं पे आपका 1000 है, मान लो। ऑब्वियसली ये प्रॉपरली मैंने स्केल नहीं बनाया, और ये लीनियर स्केल है बाय द वे, लीनियर स्केल है, थोड़ा और बढ़िया बनाना चाहिए था मुझे। बट आप जब इसका लॉग लेते हो तो होगा क्या कि 1, 10, 100 और 1000 और 10,000 ये सब इक्विवेलेंट स्केल पे आ जाएगा, राइट। तो अगर आपके पास कोई डेटा जो कि बहुत बड़ा है, बाकी लोगों से बहुत बड़ा है, उसको उठा करके आप बराबर के स्केल पे प्लॉट कर दोगे, तो दैट इज वाई ये नॉर्मल वैल्यू आने लग जाती है। और जैसे ये नॉर्मल वैल्यू आने लग जाती है और ये सब कुछ लीनियर दिखने लग जाता है, तो जो आपके लीनियर मॉडल्स हैं जैसे कि लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये लोग थोड़ा बेटर परफॉर्म करने लग जाते हैं। आई होप आपको थोड़ा इंट्यूशन मिला इस बात का। ये हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट में, बट अभी बस ऐसे समझ लो कि लॉग क्या करता है, आपके एडिटिव स्केल को मल्टीप्लिकेटिव स्केल में कन्वर्ट कर देता है। 1, 10 बहुत दूर 100 और उसके बहुत दूर 1000, उसको आप अगर लॉग स्केल पे लाओ तो सब इक्विडिस्टेंट आ जाता है। तो ये जो दूर वाली वैल्यूज हैं ये भी पास आ जाती हैं और लीनियरली लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देती हैं। तो इस तरह के केस में आपका जो लीनियर मॉडल्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाता है, दैट इज व्हाई यू यूज लॉग ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ओके, अब मैं 3 और ट्रांसफॉर्म्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। वन ऑफ देम इज द रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्म, द सेकेंड वन इज द स्क्वेयर ट्रांसफॉर्म, एंड द थर्ड वन इज स्क्वेयर रूट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मतलब 1/x, x² एंड √x, ठीक है। ये 3 ट्रांसफॉर्म मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो 1/x में क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है, आपकी सारी बड़ी वैल्यूज छोटी वैल्यूज हो जाएंगी और छोटी वैल्यूज बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी। तो बहुत अलग टाइप का ट्रांसफॉर्म है, कभी कभी काम आ जाता है।
कभी कभी सर्टेन वैल्यूज को अगर आपको लाइक एक तरह के डेटा में अगर आप अप्लाई करो तो आपको आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मिल सकता है, ठीक है। सेकेंड जो है वो है एक्स स्क्वायर। तो ये जो है ये स्पेशली यूज किया जाता है लेफ्ट स्क्यूड डेटा के लिए, ये आपको याद रखना है, लेफ्ट स्क्यूड डेटा के लिए। और स्क्वायर रूट टू बी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली कभी बहुत ज्यादा यूजफुल अभी तक नहीं लगा जिस तरह के डेटा पे मैंने काम किया, बट आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। सी एंड गोल ये होता है कि आप सारा कुछ चला के देखते हो, आपको लाइक पहले से उतना अंदाजा नहीं लगता है। हाँ ये आपको पता है कि आपके पास अगर राइट स्क्यूड डेटा है तो आप लॉग वाला लगाओगे, लेफ्ट स्क्यूड है तो आप स्क्वायर वाला लगाओगे, बट आपको सारे चला के देख लेने चाहिए बिकॉज एट द एंड एक लाइन का कोड है। जिससे भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है वही आपको यूज करना होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आई विल शो यू 4 डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स यूजिंग फंक्शन ट्रांसफॉर्मर क्लास, ठीक है। दैट इज द गोल ऑफ टूडेज वीडियो। सो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है इस वीडियो के लिए, अगेन मैं टाइटैनिक वाला डेटा सेट यूज करूंगा, बट इस बार मैं सिर्फ 3 कॉलम्स यूज करूंगा, एक होगा एज, एक होगा फेयर और एक होगा सर्वाइव्ड, राइट। सर्वाइव्ड मतलब वो बचा या नहीं बचा, बाकी कॉलम्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इनिशियली जब आप विदाउट कोई ट्रांसफॉर्म लगाए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करोगे तो एक्यूरेसी मतलब उतना अच्छा नहीं आएगा, और जब आप ट्रांसफॉर्म लगा के करोगे तो थोड़ा अच्छा एक्यूरेसी आएगा, ठीक है। सो लेट्स डाइव इनटू द एग्जांपल। सो गाइस दिस इज द कोड, मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है, आई जस्ट गो थ्रू द कोड और आपको लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ। सो दीज आर ऑल द लाइब्रेरीज दैट आई नीडेड, सो नमपाई और पैंडाज है, साइपाई डॉट स्टार्ट बोल के एक नई लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं, इसी को हम यूज करेंगे क्यू क्यू प्लॉट को प्लॉट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पी एल टी एज इन मैटप्लॉटलिब और सीबॉन है, इसको हम यूज करते रहते हैं। ट्रेंटर स्प्लिट है, एक्यूरेसी स्कोर है और मॉडल सिलेक्शन से क्रॉस वैल स्कोर है क्रॉस वैलिडेशन करने के लिए। और मैंने लीनियर मॉडल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिसीजन ट्री, दो अलग अलग एल्गोरिदम्स को साथ में मैं आपको चला के दिखाऊंगा। और लास्टली मेरे पास फंक्शन ट्रांसफॉर्मर क्लास है और कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास है जो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रहा पहला सेल। नाउ सबसे पहले मैं वही ट्रेन डॉट सी एस वी टाइटैनिक वाला डेटा यूज कर रहा हूँ, और आप पहले नोटिस कर सकते हो कि मैं सिर्फ 3 कॉलम्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इस पॉइंट पे अगर मैं डी एफ को रन करूँ, डी एफ डॉट हेड इज बेसिकली ये, ठीक है। अब अगर आप टाइटैनिक डेटा पे पहले काम कर चुके होगे तो आपको पता होगा कि एज वाले कॉलम में कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, और हम जब भी ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं वहां पे मिसिंग वैल्यूज नहीं चाहिए तो हमें पहले से रिमूव करना पड़ता है। आई विल क्विकली शो यू कि यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं। सो अगर मैं रन करूँ इस को तो यू कैन सी हमारे एज वाले कॉलम में 177 मिसिंग वैल्यूज हैं। सो मैंने अभी कुछ खास नहीं किया, मैंने फिल एन ए फंक्शन को कॉल किया पैंडास के, और जितनी भी मिसिंग वैल्यूज थी उनको एज के मीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और ये करने के बाद अब अगर मैं वापस रन करूँ ये ऊपर वाला कोड तो मेरे पास अब कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो मेरा वो जो एक प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व कर लिया। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्स क्या बनेगा, एक्स बनेगा एज एंड फेयर, इसलिए मैंने 1 से 3 लिखा, और सर्वाइव्ड जो है वो मेरा आउटपुट कॉलम बनेगा। तो ये हो गया एक्स वाई एक्सट्रैक्ट। हर फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक की तरह यहाँ पर भी हम पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पास जो 2 न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं एज और फेयर, वो दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था 2-3 तरीके, उनमें से 2 तरीके हम यूज करेंगे, एक पीडीएफ प्लॉट करेंगे, दूसरा क्यू क्यू प्लॉट प्लॉट करेंगे। सो पहले मैंने एक्स ट्रेन से एज को पकड़ा, ठीक है, और एज का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने ये रहा, ठीक है। एज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों आ रहा है, पर ओके यहाँ है ऊपर, आई एम सॉरी आई गॉट कंफ्यूज, दिस इज एज का डिस्ट्रीब्यूशन। सो यू कैन सी ठीक ठाक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट कम्प्लीटली, और ये सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है क्यू क्यू प्लॉट में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लाइन के आसपास हो और फिर एक दो जगह पे आप डिविएट कर रहे हो, राइट। तो आई वुड से कि बहुत बढ़िया परफेक्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट इट्स क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं फेयर वाले कॉलम को। सो फेयर वाले कॉलम को जब मैं रन कर रहा हूँ तो मैंने क्या रियलाइज किया
कि ये तो बिल्कुल भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इनफैक्ट ये राइट स्क्यूड है। और ये है एक्चुअली, ऐसा है, अगर आपने टाइटैनिक वाले डेटा सेट पे काम किया होगा तो आपको पता होगा कि कुछ पैसेंजर्स ने बहुत क्रेजी ज्यादा पैसे खर्चा किए थे टिकट परचेस करने में, और बहुत सारे लोगों ने बहुत कम पैसे किए थे। तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और यू कैन सी दैट इन द क्यू क्यू प्लॉट एज वेल। ठीक है, दिस इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एज क्लोज है, फेयर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और सिंस ये राइट डिस्ट्रीब्यूटेड है, आई एम सॉरी राइट स्क्यूड है, तो आपको पता है आपको कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करना है, यू कैन गो फॉर द लॉग ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एनीवेज मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी कोई ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं कर रहा, मैं सिंपली लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिसीजन ट्री क्लासीफायर के दो ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं फिट कर रहा हूँ एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे, वाई प्रेड निकाल रहा हूँ और एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहा हूँ फॉर बोथ द एल्गोरिथम्स। और ये करने से मुझे आ रहा है 64% का एक्यूरेसी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, 68% का एक्यूरेसी डिसीजन ट्री में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इफ मैं लॉग ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूं मेरे दोनों कॉलम्स के ऊपर, तो क्या फायदा होगा? मैंने वही किया, मैंने फंक्शन ट्रांसफॉर्मर क्लास को कॉल किया, और उसमें जो आप पहला पैरामीटर देते हो, यहाँ पे ये क्लास है, इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है फंक्शन, कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन आप अप्लाई करना चाहते हो। सो यहाँ पे आप अपना खुद का भी फंक्शन दे सकते हो, या फिर आप कोई बिल्ट इन फंक्शन दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया np.log1p। np.log और np.log1p में क्या डिफरेंस है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। सो log जो होता है np.log, वो सिंपली log अप्लाई करता है। ठीक है, बट अगर आपके पास जीरो है तो गड़बड़ हो जाएगा। वहीं पर np.log1p क्या करता है, आपके वैल्यू में x में पहले 1 ऐड करता है, तो कभी भी कोई भी चीज जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज द बेनिफिट, इसीलिए जनरली लोग np.log1p करते हैं। बट अगर आपके डेटा में कुछ भी जीरो नहीं है तो आप log भी यूज कर सकते हो। एनीवेज मैंने log p यूज किया, और ये मेरा ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट है, फंक्शन ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट है। और ध्यान रखना, अभी मैं दोनों कॉलम्स के ऊपर लगा रहा हूँ, एज के ऊपर भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, और मैं इसके ऊपर फेयर के ऊपर भी कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया, जो कि कैसे निकल के आया, trf.fit ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन पास करके, और मैंने टेस्ट के ऊपर भी ट्रांसफॉर्म लगा दिया लाइक दिस। ठीक है, सो मेरे पास एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म आ गया जिसके ऊपर मैं ट्रेन करूंगा, और एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म आ गया जिसके ऊपर मैं प्रिडिक्शन करूंगा। सो मैंने फिर से लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिसीजन ट्री दोनों का ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों को ट्रेन किया, बट इस बार मैंने ट्रेन किस पे किया, एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म पे, ये जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, और वाई ट्रेन के ऊपर। वाई प्रेड कैलकुलेट करने के लिए आई एम सॉरी, यहाँ पर इट शुड बी एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म्ड लाइक दिस, राइट, और फिर मैंने एक्यूरेसी कैलकुलेट किया सेम टू सेम। ठीक है, और ये करने पे जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ ऐसे आ रहे हैं। यू कैन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे, मतलब आई एम सॉरी डिसीजन ट्री पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था देर आर सर्टेन एल्गोरिथम्स जिनको इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिसीजन ट्री इज वन ऑफ दोज एल्गोरिथम्स। बट आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यू कैन सी इंप्रूवमेंट आ गया, क्योंकि आपने डेटा को ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, अब होता क्या है कि मुझे जब भी इस तरह के इंप्रूवमेंट्स दिखाई देते हैं तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ, और मैं क्रॉस वैलिडेट करके ट्राई करता हूँ चेक करने का कि ये सच में सही है कि नहीं, क्योंकि आप सिर्फ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हो तो आपको परफेक्टली वैलिडेटेड रिजल्ट्स नहीं मिलते, जितना आप क्रॉस वैलिडेशन करके करते हो तो मिलते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने पूरे के पूरे एक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया इस नए वेरिएबल में, एक्स ट्रांसफॉर्म में, फिर से CLF और डिसीजन ट्री के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, और इस बार मैंने क्रॉस वैल स्कोर किया। क्रॉस वैल स्कोर अभी आपने नहीं पढ़ा है, बट सिंपली मैं 10 बार ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहा हूँ, हर बार एक्यूरेसी निकाल रहा हूँ और मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो एक बार से ज्यादा रिलायबल रिजल्ट्स होंगे मेरे पास। ठीक है, और ये काम करते ही मुझे मिला ये रिजल्ट। यू कैन सी कि डिसीजन ट्री 65 के आसपास है, और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो 67 के आसपास है, तो 10 बार मीन निकालने के बाद भी अगर 67 आ रहा है तो आई कैन से कि हाँ इम्प्रूवमेंट तो है बॉस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट्स सी कि सच में इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एज बिफोर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का क्यू क्यू प्लॉट दिखाऊंगा आपको, और एज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का क्यू क्यू प्लॉट दिखाऊंगा। सो मैंने वही किया, एक्स ट्रेन का ये बाय द वे पहले मैं फेयर का दिखा रहा हूं आपको, एक्स ट्रेन का फेयर
दैट इज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेयर बिफोर लॉग और फेयर आफ्टर लॉग का दिखा रहा हूँ. और जब मैंने इसको प्लॉट किया तो यू कैन सी गाइज कि फेयर वाला जो कि बहुत ज्यादा दूर था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, पहले ऐसा दिख रहा था, वो काफी क्लोज आ चुका है. ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपका इंप्रूवमेंट हुआ पूरे के पूरे एक्यूरेसी में. ठीक है, एक बार देखते हैं एज में क्या सीन है. तो एज में भी मैंने सेम लॉजिक लगाया, बिफोर एंड आफ्टर वाला, और इसको जब रन किया तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि पहले ज्यादा अच्छा था, बाद में थोड़ा खराब हो गया ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रिजल्ट पहले से खराब हो जाए, जैसा कि इस केस में हो रहा है, क्योंकि ये एनीवेज राइट स्क्यूड नहीं था ये डेटा, हमने जबरदस्ती इसके ऊपर लॉग ट्रांसफॉर्म लगा दिया. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, रादर देन अप्लाइंग लॉग ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ ऑफ द कॉलम्स एज और फेयर, सिर्फ फेयर के ऊपर लगाते हैं, एज को छोड़ देते हैं. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मर बनाया. मैं फिर से पूरी चीज को दोबारा कर रहा हूँ, मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मर बनाया, उसमें मैंने बस फंक्शन ट्रांसफॉर्मर को पास किया, ये रहा मेरा फंक्शन, और जो कॉलम है वो सिर्फ फेयर है, और रिमाइंडर को मैं पास थ्रू कर रहा हूँ, मतलब एज वाले कॉलम को एज इट इज रख रहा हूँ. ठीक है, और फिर मैंने नया एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म बनाया, नया एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म बनाया, और फिर से पूरी चीज को रिपीट किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, और इस बार नए वाले एक्स पे ट्रेन किया और नए वाले टेस्ट पे प्रिडिक्शन किया, और अब रिजल्ट निकाला तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आया, मतलब जो 67 आ रहा था वैसा ही आया. अब आई एम नॉट श्योर मैंने कुछ यहाँ पे गलती की है या कुछ, आप एक बार देखना इस कोड को, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, बट आई एम नॉट श्योर अभी क्यों नहीं हुआ. बट या सही डिसीजन यही था कि हम एज को नहीं करके फेयर को करते, क्योंकि एक्यूरेसी तो बराबर ही आ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा को ट्रांसफॉर्म करने में आपका कंप्यूटेशन लॉजिक जाएगा, पावर जाएगा, सो इट्स ओके, एक कम को ट्रांसफॉर्म करके भी सेम हमारा एक्यूरेसी आ रहा है. ठीक है, और फिर से जस्ट टू गेट श्योर हमने क्रॉसवेल स्कोर लगा दिया इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन पे, और क्रॉसवेल स्कोर अभी भी वैसा ही रिजल्ट दे रहा है मुझे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन 67%, डिसीजन ट्री 65%. ठीक है, तो नटशेल में ये समझ में आया हमें कि यहाँ पे जो डेटा था उसमें एज ऑलरेडी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ऑलमोस्ट फेयर राइट स्क्यूड था. तो जब मैंने फेयर के ऊपर लॉग ट्रांसफॉर्म लगा के फिर से लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया तो हमारा रिजल्ट इंप्रूव कर गया. सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, हम साथ ही साथ एक और एल्गोरिदम को लेके चल रहे थे, दैट वाज डिसीजन ट्री, और डिसीजन ट्री के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा. डिसीजन ट्री का रिजल्ट जैसा शुरू में था वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन के बाद था, क्योंकि डिसीजन ट्री इज वन ऑफ दोज एल्गोरिदम्स जिसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज दोज एल्गोरिदम्स जिनको फर्क पड़ता है. तो आई गेस आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया. अब मैं आपको जल्दी से बाकी के ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ, विच इज रेसिप्रोकल वाला एंड स्क्वायर वाला, स्क्वायर रूट वाला. तो मैंने एक फंक्शन लिख दिया है अप्लाई ट्रांसफॉर्म, जिसमें मैं फंक्शन पास करूंगा और अंदर सेम लॉजिक पूरा है. ये आपको दो चीजें बना के देगा, पहला आपका एक्यूरेसी कैलकुलेट करके देगा, दूसरा आपको ये बताएगा कि आपका क्यू क्यू प्लॉट पहले और बाद में कैसा था. ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं अप्लाई ट्रांसफॉर्म में भेजता हूं x is to x, मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा रहे, तो एक्यूरेसी वही 65 आ रहा है, और QQ प्लॉट बेसिकली मैं फेयर का दिखा रहा हूं, दोनों सेम है क्योंकि हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं किया, x भेज रहे हैं पलट के x आ रहा है, तो ये जो पहले वाला सीन था वही है. अब मैं आपको दिखाता हूं स्क्वायर वाला. ठीक है, सो रिटर्न करेगा एक्स स्क्वायर. ठीक है, और इसको रन किया तो 64 हो गया, इनफैक्ट थोड़ा घट गया एक्यूरेसी, और यहां पर यू कैन सी कि सच में आपका बिफोर मतलब आफ्टर द ट्रांसफॉर्म फेयर का हालत और खराब है. ठीक है, और ऐसा वैलिड भी है क्योंकि आपने इसको राइट स्क्यूड डेटा पे लगाया, अगर ये लेफ्ट स्क्यूड डेटा होता ना तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता. ठीक है, सिमिलरली आप क्यूब भी लगा सकते हो इफ यू वॉन्ट. सो क्यूब लगाने से बहुत ही ज्यादा घट गया, सो यू कैन सी कि ये पावर लाइक पॉलिनोमियल लगाने से फायदा नहीं हो रहा. मैं आपको स्क्वायर रूट लगा के दिखाता हूँ, स्क्वायर रूट ये रहा, और स्क्वायर रूट लगाने से बढ़िया आ रहा है, स्क्वायर रूट लगाने से बढ़िया आ रहा है, ऑल्दो यहाँ पे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा,
इनफैक्ट बढ़िया नहीं आ रहा, इनफैक्ट ये वही है जो इनिशियली था, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा स्क्वायर रूट लगाने से इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल इज 1/x, और इसको लगाने से कुछ एरर आया, और लेट्स रीड कि एरर क्या है। एक रीजन ये हो सकता है कि हमारे डेटा में कहीं पे शायद जीरो हो, मे बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस 0.00001 कर दे रहा हूँ, सो दैट कभी भी डिनोमिनेटर जीरो ना हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अगर हम इसको रन करें, अभी भी हो रहा है ये, सेम एरर है। व्हाट इफ मैं 0.1 करूं, देर इज सम एरर। एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। या तो एक्चुअली मैं सही से हैंडल नहीं कर रहा था चीजों को, बट या कोई फायदा नहीं है, ज्यादा फायदा नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूं सो दैट फर्क ना पड़े बहुत ज्यादा, तो या अगेन नॉट वर्किंग दैट वेल। सो इस तरह के डेटा पे हमारा लॉग ट्रांसफॉर्म ही बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। बट एज आई टोल्ड यू, आपको एट द एंड अगर सिर्फ एक पैरामीटर चेंज करना है, एक फंक्शन का वैल्यू चेंज करना है, तो यार आप अपना कुछ भी भेज दो, राइट? मतलब ट्राई करके देख लो, आप यहाँ पे कुछ भी भेज सकते हो। एक्चुअली आप यहाँ पे एनपी डॉट साइन भेज सकते हो, एनपी डॉट साइन करने पे घट गया आपका, बट यू कैन सी ये रहा आपका फेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा साइन कर्व जैसा हो गया। ठीक है, तो आप कोई भी फंक्शन भेज सकते हो, कस्टम अपना लॉजिक भी भेज सकते हो, बट यू शुड ट्राई। जो भी आपके मेन वाले हैं उनको आप ट्राई कर सकते हो, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको फंक्शन ट्रांसफॉर्मर को एक अलग फंक्शन इनपुट में देना है, और वो बाकी का बाकी पूरा जो फ्लो है आप ट्राई कर सकते हो। सो व्हाट यू शुड डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इज कोई और डेटा सेट पकड़ो और उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके देखो कि किस तरह के डेटा पे किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो फिर आपका लाइक ये वाला ज्ञान थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा फंक्शन ट्रांसफॉर्मर का बात। अब नेक्स्ट वीडियो में विल डू पावर ट्रांसफॉर्मर, और वहां पे हम बॉक्स कॉक्स और यो जॉनसन पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।